फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। तो चलिए देखते हैं, इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक मोर देन 50 और एक लेस देन 50। हम मोर देन 50 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिया, आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, आप 50 से 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। अब दो डैश बना लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद टू टू ज़ा फोर लिख देंगे आप यहाँ पे, ओके। अब 25, आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है 25, उसी के साथ हम प्लस करेंगे और लेस देन में उसी के साथ हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब कितना ज़्यादा है 50 से, कितना ज़्यादा 50 से 52, 2 ज़्यादा है, तो 25 में क्या कर देंगे हम, प्लस 2 कर देंगे, कितना आ गया 27 आ गया। और अब यहाँ पे आप 27 लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। देखा कितनी इजी था, अब लेस देन 50 तो उससे भी इजी होगा। चलिए देखते हैं, लेस देन 50 में जैसे कि मैंने लिया, आपको निकालना है 41 का स्क्वायर, ठीक है। तो 50 से 41 कितना कम है, कितना कम है, 9 कम है, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। दो डैश बनाएंगे, 81 यहाँ लिख देंगे, ओके। अब कितना ज़्यादा है, कितना कम है, 9 कम है, तो 25 में से 9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 16 और 18, यह आ गया आपका आंसर 1681। देखा कितना आसान था। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्स में जब स्क्वायर आते हैं आपको, तो आप उसका आंसर एकदम डायरेक्टली इन माइंड निकाल सकते हैं, आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इन माइंड हो सकता है। मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तो 2 सेकंड में और माइंड में कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी क्लिक करना, ताकि मेरे YouTube में जब भी ऑनलाइन आऊँ आपको दिख जाए, ओके। बाय बाय।